नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। लोक सभा चोणां दी सत्तवें गेड़ दीआं 57 सीटां लई नामजदगी पत्र दाखिल करन दी प्रक्रिया मुकम्मल। पंजाब दीआं सारीआं 13 सीटां लई कुल 598 नामजदगी पत्र दाखिल। अज होवेगी पत्रां दी पड़ताल ते 17 मई तक लए जा सकणगे नामजदगी पत्र वापस। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वालों देशवासियों नूं राष्ट्र हित नूं सब तो वध तरजीह देण दी अपील। सरकार ने नागरिकां नूं फर्जी कॉलां तो बचण दी दित्ती सलाह। पंजाब पुलिस वालों विदेश तों चलाए जा रहे अतवादी मॉड्यूल दे पंजाब च सरगने समेत 4 मैंबर गिरफ्तार। पंजाब दे खेतीबाड़ी महकमे वालों कपूरथला विच बीज कारोबारियां दीआं दुकानां दी चैकिंग। गैर प्रमाणित गैर कानूनी बीजां दी विक्री ना करन दी हिदायत। ते हुण खबरां विस्थार नाल। लोक सभा दीआं सत्तवें गेड़ दीआं चोणां लई नामजदगी पत्र दाखिल करन दा काम मुकम्मल हो गया है। इस गेड़ तहत 57 संसदी हलकिआं लई 1 जून नूं वोटां पुआईआं जाणीआं ने। इन्हां विच बिहार दीआं 8, हिमाचल प्रदेश दीआं 4, झारखंड दीआं 3, उड़ीसा दीआं 6, पंजाब ते उत्तर प्रदेश दीआं 13, पच्छमी बंगाल दीआं 9 ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दी 1 सीट शामिल है। इस दौरान पंजवें गेड़ दीआं चोणां लई चोण प्रचार पूरी तरह नाल पक गया है। इस गेड़ तहत 8 सूबिआं ते केंद्र शासित प्रदेश दीआं 49 संसदी हलकिआं विच 20 मई नूं वोटां पुआईआं जाणीआं ने। इस गेड़ लई 749 उम्मीदवार मैदान विच ने। वख-वख पार्टियां दे स्टार प्रचारकां ते होर नेतावां ने अपने अपने उम्मीदवारां दे पक्ष विच चोण प्रचार तेज़ कर दित्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी सीट तों नामजदगी पत्र दाखिल करन तों बाद गिरिडीह विच इक सभा नूं संबोधन करदिआं कहा कि उन्हां दे तीजे कार्यकाल च नक्सलवाद ते अतवाद दा सफाया होवेगा। इस प्रकार से श्रद्धा व्यक्त की गई है, भारत के संविधान प्रति जो मोहर लगाई गई है, दशकों बाद श्रीनगर में चुनाव का उत्सव था, दशकों बाद श्रीनगर के चुनाव में इतना भारी मतदान हुआ। उधर झांसी च कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपर अरबपतियां लई काम करन ते किसानां ते बेरोजगार नौजवानां नूं नज़रअंदाज करन दा दोष लगाया। मेरी दो माता थी, एक सोनिया जी और दूसरी इंदिरा गांधी जी। मेरी दोनों माताओं की ये कर्मभूमि है और इसीलिए मैं यहां रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूं। लोकसभा दीआं सत्तवीं गेड़ दीआं चोणां लई पंजाब दीआं सारीआं 13 सीटां लई उम्मीदवारां वल्लों नामजदगियां दाखिल करन दा काम मुकम्मल हो गया है। पंजाब दी मुख चोण अधिकारी सिबन सिंह ने चंडीगढ़ च दस्सिआ है कि इन्हां सीटां लई नामजदगियां भरन दे आखरी दिन कल 226 उम्मीदवारां नूं नामजदगी परचे दाखिल कीते। इसे तरह 7 मई तों 14 मई तक सूबे च कुल 598 नामजदगी पत्र दाखिल होए ने। उन्हां दस्सिआ कि इन्हां नामजदगी पत्रां दी पड़ताल अज दुपहर 3 बजे तक होवेगी ते उम्मीदवार 17 मई तक अपनी नामजदगी पत्र वापस लै सकनगे अते उसे ही दिन 3:30 बजे उम्मीदवारां नूं चोण निशान अलॉट कीते जाणगे। सिबन सिंह ने दस्सिया कि गुरदासपुर, खडूर साहब, संगरूर तो 15-15 उम्मीदवारां ने, अमृतसर ते जलंधर तो 18-18, फतेहगढ़ साहब ते बठिंडा तो 17-17, होशियारपुर तो 10, आनंदपुर साहब तो 23, लुधियाणा तो 31, फरीदकोट तो 16, फिरोजपुर तो 19 ते पटियाला तो 12 उम्मीदवारां ने नामजदगी पत्र दाखिल कीते ने। पंजाब दे मुख चोण अधिकारी सिबन सिंह ने लोकसभा चोणां 2024 लई पंजाब दे कुल वोटरां दी अंतम सूची जारी कर दित्ती है। मुख चोण अधिकारी ने दस्सिया कि 4 मई पंजाब च नवीआं वोटां बनाउण दी अंतिम तारीख सी ते इस दिन तक जमा करवाए गए फार्मां दा निपटारा 14 मई तक कीता गया है। मगरों जारी कीती वोटर सूची अनुसार पंजाब विच कुल वोटरां दी गिनती 2,14,61,739 है। इस विच 1,12,86,726 मर्द वोटर, 1,01,74,240 महिला वोटर, 773
ट्रांसजेंडर वोटर ने। उन्होंने दस्सिया कि इन्हां विचों 18 तो 19 साल की उम्र वर्ग की 538,715 वोटर जिहड़े पहली बार वोट पाउण दे हक की वरतों करनगे। इसी तरह 85 साल तो वध उम्र के वोटरां की गिनती 199,855 आई। सूबे विच कुल 158,718 दिव्यांग वोटर ने। पंजाब च फोटो पहचान पत्र 100% बनाए गए ने। सीबन सिंह ने दस्सिया कि 13 लोग सभा सीटां लई कुल 24,451 पोलिंग स्टेशन होणगे, जिन्हां विचों 16,517 पेंडू खेतरां च अते 7,934 शहरां च बनाए गए ने। उन्हां कहा कि पोलिंग बूथां उपर वोटरां दी सहूलत लई सारे बंदोबस्त करन लई डिप्टी कमिश्नर कम जिला चोण अधिकारियां दी पूरी टीम तनदेही नाल लगी हुई है। उन्हां अपील कीती है कि इस बार 70 पार दे टीचे दी पूर्ति लई वोटर वध चढ़ के वोटां पाउण। सिबन सिंह ने दस्सिया कि 13 लोक सभा सीटां लई कुल 24,451 पोलिंग स्टेशन होणगे। आउंदियां लोक सभा चोणां लई इन दिनी पंजाब च प्रशासन तैयारियां विच रुझिया होया ए। पेश है खडूर साहब जिला प्रशासन वल्लों कीतियां जा रहियां चोण तैयारियां दी एक रिपोर्ट। श्री खडूर साहब विच चोण तैयारियां पूरे जोरां ते चल रहियां ने। इस पार्लीमानी हलके विच 9 विधानसभा हलके जंडियाला, तरनतारन, खेमकरन, पट्टी, खडूर साहब, बाबा बकाला, कपूरथला, सुल्तानपुर लोधी अते जीरा पैंदे ने। इस विच कुल वोटरां दी गिनती 16,64,199 है, जिन्हां विच 8,74,470 मर्द अते 7,99,662 महिला वोटर ने। इत्थे ट्रांसजेंडर वोटरां दी गिनती 67 है। इस हलके विच वोटिंग लई 1,974 पोलिंग स्टेशन बनाए गए ने। श्री खडूर साहब दे जिला चोण अधिकारी कम डिप्टी कमिश्नर संदीप कुमार ने कहा कि संसदीय हलका खडूर साहब विच चोण कमिशन दीआं हिदायतां अनुसार सारियां तैयारियां लगभग पूरियां कर लईआं गईआं ने अते सुरक्षा दे पुख्ता प्रबंध कीते जा रहे ने। एज पर इलेक्शन कमीशन ऑफ गाइडलाइन से जो 48 घंटे पहला पूरी मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे बंदे जो बाहर दे हैं वो बाहर चले जाएंगे। असी दे लई पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। साडे अरेंजमेंट बहुत वधिया है। साडी शेड का प्रबंध है, छबील का प्रबंध है और यू विल फाइंड ए डिफरेंट एटमोसफेयर दिस टाइम इन ऑल द पोलिंग स्टेशन। जिला चोण अधिकारी ने वोटरां नूं इस बार 70 पार दे टीचे नूं प्राप्त करन लई वोटिंग विच उत्साह नाल भाग लैण दी अपील कीती अते भरोसा दित्ता कि पोलिंग बूथां ते छबील, शैड अते बैठण दीआं सहूलतां दा प्रबंध यकीनी बनाया जाएगा। मैं यही अपील करांगा कि 1 तारीख जो है ये छुट्टी नहीं जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी दे प्रति आपां सचेत होइए ते बढ़ चढ़ के वोटिंग दे विच जो है आपां हिस्सा लईए। और इस बार इलेक्शन कमीशन का जो नारा है वो 70 पार है, बट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 75% पार नारा रखे हुआ है। असी हर एक वर्ग नू मोर दैन 18 ईयर जो थे जिन्हें वोट बनी हुई है उन्होंने अपील कर मैं अपील करदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वालों कि वो जाके अपनी वोटिंग करन। तरन तारण तो प्रसार भारती दे प्रतिनिधि अमित मरवाहा की रिपोर्ट। भारतीय चोन कमिशन ने कहा कि आदर्श चोन जाबता लागू होने तो बाद जाबते की उलंघना संबंधी मिली शिकायतों में हुण तक 90% शिकायतों का निपटारा किया जा चुकिया है। कमिशन अनुसार कांग्रेस ते भारतीय जनता पार्टी नूं छड्ड के किसी भी होर पार्टी की कोई शिकायत बकाया नहीं है। कमिशन ने अज एक बयान दे विच कहा कि वक् वक् सियासी पार्टियां ते उम्मीदवारां वल्लों 425 वड्डियां शिकायतां दर्ज करवाईआं गईआं ने। इन्हां विचों 400 केसां विच करवाई जा रही निपटारा जिहड़ा हो चुकिया है। इन्हां विचों कांग्रेस वल्लों 170, भाजपा तो 95 ते होर पार्टियां वल्लों 160 शिकायतां ने। कमिशन ने कहा कि आदर्श चोण जाबते की उलंघना लई कांग्रेस ते भाजपा दीआं कुछ शिकायतां एक दूजे विरुद्ध पेंडिंग ने। कमिशन वल्लों आदर्श चोण जाबते की उलंघना करन वाले आगुआं नूं नोटिस जारी कीते जा रहे ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों नूं अपील कीती है कि राष्ट्र हित नूं सब तो वध तरजीह देण। संसद भवन च भागवत गीता ते डॉक्टर सुभाष कश्यप कमेंट्री रिलीज समारोह नूं संबोधन करदियां धनखड़ ने भागवत गीता विच दर्शाए गए अध्यात्मक, धार्मिक ते फर्ज प्रति वचनबद्धता दे रस्ते ते चलन ते जोर दिता। गृह मंत्रालय ने लोगों पुलिस, CBI, नारकोटिक्स विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ते होर कानून लागू करन वालियां एजेंसियां दे अधिकारियां बन के धोखाधड़ी करन वालियां तों अलर्ट रहण दी सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल ते फर्जी सरकारी अधिकारियों के रूप में साइबर अपराधियों वल्लों धमकी देण, ब्लैकमेल करन, जबरी वसूली ते डिजिटल अरैट्स दीआं शिकायतां वड्डी गिनती विच सामने आ रही ने। कुछ मामलों में पीड़ितों उदों तक डिजिटल अरैसट विचों गुजरना पैंदा
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਸਕਾਈਪ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਧੋਖੇਧੜੀ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅਪਰਾਧ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1930 ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। सरकार ने नागरिकों नूं उन्हां फर्जी कॉलां तों बचण लई कहा है जिन्हां विच कॉल करन वाले उन्हां नूं मोबाइल बंद करन दी धमकी दिंदे ने। दूरसंचार विभाग ने सरकारी अधिकारियों के फर्जी नावां ते लोकां नूं ठगण वाले विदेशी मोबाइल नंबरां तों वट्सअप कॉल के संबंध में भी सलाहकारी जारी की है। लोगों साइबर क्राइम हैल्पलाइन नंबर 1930 ते अजिहियां घटनावां की रिपोर्ट करन लई कहा गया है। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने विदेश में रहिंदे इकबालप्रीत सिंह उर्फ बुच्छी वल्लों चलाए जा रहे अतवादी मड्यूल के सरगने गुरविंदर सिंह उर्फ शेरा समेत चार मैंबरों नूं गिरफ़्तार करन च कामयाबी हासिल की है। चंडीगढ़ से जानकारी देंदिया DGP गौरव यादव ने दसिया कि मड्यूल गिरोह का सरगना गुरविंदर शेरा जो इस वेले जमानत ते सी नूं AGTF ने गिरफ़्तार करके पूरे मड्यूल का पर्दाफाश किया है। विदेश में रहिंदे इकबालप्रीत बुच्ची ने गुरविंदर शेरा नूं साल 2022 च 1.5 लाख रुपए दे के मित के कतल दियां वारदातों नूं अंजाम देने लई कहा सी। शेरा नाल जिन्हां होर उसके साथियों नूं गिरफ़्तार किया गया उन्हां दी पछाण गुरप्रीत सिंह, रणजीत सिंह उर्फ सोनू अते जगजीत सिंह उर्फ जशन वजों हुई है। पुलिस ने इन्हां कोलों 3 पिस्तौलां समेत 13 जिंदा कारतूस बरामद करन दे नाल नाल एक स्कॉर्पियो गड्डी भी जब्त की है। पुलिस ने इन्हां सारियां विरुद्ध मोहाली विच IPC दी धारा 120B अते असला एक्ट दी धारा अधीन मामला दर्ज किया है। पंजाब दे खेतीबाड़ी विभाग के अधिकारियों ने कपूरथला जिले च बीज वेचण वाले कारोबारियों दी दुकानां दी अचनचेती चैकिंग की। जिले के डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पंचाल की हिदायत से यह चैकिंग की गई। अधिकारियों ने बीज कारोबारियों को कहा कि गैर प्रमाणित गैर कानूनी बीजों की विक्री नहीं की जानी चाहिए तो किसानों लोड़ींदे बीज निर्धारित रेटा से ही उपलब्ध करवाने चाहिए ने। जिले के मुख्य खेती अधिकारी डॉक्टर बलबीर चंद ने बीज कारोबारियों नाल मुलाकात की। उन्होंने कहा कि किसानों पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना वालों सिफारिश की गई प्रमाण किस्मों के बीजों लिए उत्साहित किया जाना चाहिए है ता जो फसल की पैदावार ते विक्री विच किसी तरह की कोई परेशानी ना आवे। उन्होंने जिले के वक-वक ब्लॉकों कारोबारियों के बीज भंडारा का दौरा किया मौजूद स्टॉक का निरीक्षण भी किया। खबरों के बुलेटिन साढ़े दर्शक RNU DDK जलंधर के यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से भी देख सकते हैं। बुलेटिन के अखीर चोनवियां खबर एक बार फिर तो लोक सभा चोणां दी 7वीं गेड़ दीआं 57 सीटां लई नामजदगी पत्र दाखिल करन दी प्रक्रिया मुकम्मल। पंजाब दीआं सारीआं 13 सीटां लई कुल 598 नामजदगी पत्र दाखिल। अज होवेगी पत्रां दी पड़ताल ते 17 मई तक लए जा सकणगे नामजदगी पत्र वापस। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वल्लों देशवासियों नूं राष्ट्र हित नूं सब तों वध तरजीह देण दी अपील। सरकार ने नागरिकों को फर्जी कॉलों से बचने की दी सलाह। पंजाब पुलिस वालों विदेश तो चलाए जा रहे अतवादी मड्यूल के पंजाब च सरगने समेत 4 मैंबर गिरफ्तार। पंजाब के खेतीबाड़ी महकमे वालों कपूरथला च बीज कारोबारियों दी दुकानों की चैकिंग। गैर प्रमाणित गैर कानूनी बीजों की विक्री ना करने की हिदायत। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होया। दुआ गया। नमस्कार।